हेलो एवरीवन, पिगमेंटेशन के ऊपर हम जितना कंटेंट बनाते हैं उतना ही कम पड़ता है, लोगों के क्वेश्चंस खत्म ही नहीं होते हमारे स्किन वाइटनिंग ट्रीटमेंट्स एंड पिगमेंटेशन के ऊपर। वीडियोस हमारे बैक टू बैक आ रहे हैं और फिर भी लोगों के क्वेश्चंस बहुत सारे आ रहे हैं एंड आई रियली वॉन्ट टू हेल्प आउट पीपल जिनको पिगमेंटेशन का इशू है। तो आज हम एक लाइव प्रोसीजर करेंगे पिगमेंटेशन के ऊपर, जिसमें हम एक बहुत सिंपल प्रोसीजर से, जैसे लास्ट टाइम तो मैंने आपको एक वर्ल्ड्स मोस्ट एडवांस्ड लेज़र पीको लेज़र के बारे में प्रोसीजर दिखाया था, इस बार मैं आपको बहुत सिंपल केमिकल पील से भी हम कितना अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं पिगमेंटेशन के ऊपर और स्किन क्लियर आउट कर सकते हैं, ब्राइटनिंग कर सकते हैं, वाइटनिंग कर सकते हैं, वो मैं आपको आज लाइव प्रोसीजर करके दिखाने वाली हूँ। तो ज़रूर एंड तक इस वीडियो को देखना। केमिकल पील सुनते ही लोगों के दिमाग में आता है कि मेरी स्किन निकल जाएगी। नहीं, केमिकल पील्स बेसिकली एक केमिकल सब्सटेंस है जो कि आपके स्किन पे हम लगाते हैं ताकि हमें एक रिजल्ट मिल सके, राइट? सारे पील्स आपके स्किन को इस तरह शीट की तरह नहीं निकालते, ओनली सम पील्स जैसे कि येलो पील्स और रेटिनॉल बेस्ड पील्स ही एक एक्सफोलिएशन क्रिएट करते हैं जो कि विजिबल होता है। बाकी पील्स एक एक्सफोलिएशन क्रिएट करते हैं जो कि आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि वो इंस्टेंट होता है, इमिडिएटली होता है, आपको सिर्फ एक फाइनल रिजल्ट दिखेगा जिसमें क्लियरर और जो पिगमेंटेशन स्किन है वो आपको क्लियरर इवन टोन दिखेगी। तो केमिकल पील्स में प्लीज़ इस तरह से आप धोखा ना खाएं कि ये तो इसका मतलब है कि मेरी पूरी स्किन निकल जाएगी, ऐसा नहीं होता। वो आपके डॉक्टर आपको प्रॉपरली गाइड करेंगे कि किस तरह की पिगमेंटेशन के लिए वो कौन सी वाली पील कर रहे हैं। तो आज हम देखते हैं, ये हमारे पास पेशेंट है, कि हम इनके स्किन के लिए किस तरह की पील आपको दिखा सकते हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो इधर स्किन के अंदर बहुत ज़्यादा अनइवन टोन है, जिसकी वजह से एक ओवरऑल पिगमेंटेड लुक दे रहा है। माथा अलग कलर का है, लिप्स के अराउंड पिगमेंटेशन है। सेकंड है कि कुछ स्पॉट्स है पिगमेंटेशन, कई बार एक्ने हो जाता है और एक्ने के बाद इस तरह के स्पॉट्स रह जाते हैं जो कि एक अच्छी यूनिफॉर्म लुक नहीं देते, स्किन को क्लीन लुक नहीं देते और पैचीनेस और अनइवन टोन देते हैं। तो इसके लिए आज हम करने वाले हैं एक केमिकल पील। मैं आपको एक लाइव प्रोसीजर दिखाऊंगी, आप ध्यान से देखना। तो अब सबसे पहले स्किन को क्लीन करना इम्पॉर्टेंट है, तो हम डीग्रीस करेंगे स्किन को आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से, अल्कोहल स्वाब से, ताकि मेरी केमिकल पील अच्छे से इफेक्ट करे, ठीक है? और हम इसको देखें, इसको प्रॉपरली डीग्रीस करेंगे ताकि स्किन पे कोई भी ग्राइम या डेब्री रह ना जाए और मेरा पील पूरा काम करे। इसको हमें क्लीन तब तक करना है जब तक कोई भी डेब्री हमारे स्वाब पे नहीं आए, क्योंकि अगर ये रहेगी तो मेरी पील इफेक्टिव नहीं होगी, और हो सकता है कुछ जगह रहे कुछ जगह ना रहे तो भी पील की डेप्थ वेरी करती है और फाइनल रिजल्ट वेरी करेगा, ठीक है? तो इसलिए हमें देखिए अभी भी थोड़ा सा ग्राइम आ रहा है, तो मैं इसे रिपीट से क्लीन करूँगी, डीग्रीस कर रही हूँ बेसिकली। अब हमारा स्वाब नियरली क्लीन है, अब मैं इसमें पेशेंट को जो सेंसिटिव एरियाज को प्रोटेक्ट करेंगे, जैसे कि आइस का अंदर का सर्फेस, आइस क्लोज कर। अब हम अप्लाई करेंगे पील। तो मैं आज सबसे पहले फोरहेड से स्टार्ट करके एक यूनिफॉर्म पील एप्लीकेशन करूंगी। अब इस पील को ये अपना एक्शन कर रही है और हम इसे इसके बाद सिंपली रिमूव करना शुरू करेंगे। कुछ देर पील को हम छोड़ने के बाद अब हमने इसको रिमूव करना शुरू कर दिया है।
स्प्रे करके पील निकाल देंगे। मोस्टली पील तो निकल गई है, जस्ट अगर आप ध्यान से देखेंगे कि ये फोरहेड का एरिया काफ़ी क्लीन हुआ है, ओवरऑल भी एक बहुत क्लीन लुक आ गई है, पिगमेंटेशन काफ़ी बेटर हो गया है। एंड दिस इज़ जस्ट अ सिंगल सिटिंग, इसकी रिपीटेड सिटिंग्स में डेफिनेटली और रिजल्ट आता है, स्किन ब्राइटन भी होती है एंड वाइटन भी होती है। सीरम्स के साथ अब मैं कुछ एक रीजनरेटिंग मास्क लगा रहे हैं विद एक्टिव सीरम्स, जिससे कि स्किन को वो पेनिट्रेट करेंगे और ब्राइटनेस पे काम करेंगे। सिमिलरली ऐसे ही सीरम्स हमने आईज पे भी लगाए हैं, जिससे आपको आईज में भी डार्क पिगमेंटेशन के ऊपर काम करेगा। तो इतना सिंपल प्रोसीजर है ये, एंड इससे घबराइए मत, इट्स अ वेरी वेरी इफेक्टिव प्रोसीजर फॉर पिगमेंटेशन एंड इट विल हेल्प। मल्टीपल सेटिंग्स बहुत हेल्प करती है ब्राइटनिंग लाने में, तो ज़रूर इसे एक बार करा के मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए। थैंक यू सो मच।